नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बड़ी खबर आ रही है डायरेक्ट दिल्ली एम्स से। खबर है कि रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वो इस बारे में उनके बेटे सत्यप्रकाश सिंह ने जो है जानकारी देते हुए बताया है कि डॉक्टरों ने बताया है कि अगले 1 से 2 दिनों में उनकी हालत नाजुक हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले वो कोरोना संक्रमित भी हुए थे और पटना एम्स में उनका इलाज हुआ था। कोरोना की जंग जीतने के बाद उन्हें फेफड़े में दिक्कत हो गई और जिसके इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल वो दिल्ली एम्स में भर्ती हैं और उनकी हालत नाजुक है। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने दिल्ली एम्स से ही एक त्यागपत्र लिखा था RJD के नाम पर, और जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचले तेज हैं। एक ओर जहां लालू प्रसाद यादव ने इस चिट्ठी के जवाब में दूसरी चिट्ठी लिख करके कोशिश की कि रघुवंश प्रसाद सिंह को रोक लिया जाए और उन्हें कहीं नहीं जाने दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि जदयू या फिर BJP को ये मौका मिल गया है कि वो लगातार जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी को रघुवंश प्रसाद सिंह के बदले जो है टारगेट करे। और इसी की बदौलत खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी जो है लालू परिवार पर टारगेट करते हुए कहा है कि वो एक जो रघुवंश प्रसाद सिंह थे वो कौरवों के बीच में एक कर्ण की तरह थे। इसके अलावा आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह का ये जो त्यागपत्र आया है ये सिर्फ जो है राजनीतिक बयानबाजियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अपने एक समीकरण के परिणाम है, राजनीतिक समीकरण के परिणाम होंगे जो कि दूरगामी भी हो सकते हैं और जो कहीं ना कहीं RJD के लिए आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। फिलहाल इस खबर के रिगार्डिंग और कोई अपडेट आएगी तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप बने रहें बिहार के साथ।